हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको एक जबरदस्त कुरकुरे स्नैक्स की रेसिपी बताऊंगी। इसे बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करेंगे और महीने भर तक आप इसे स्टोर करके खा सकते हैं। मार्केट में मिलने वाली नमकीन से ये कई गुना ज्यादा चटपटी और कुरकुरी बनती है। तो चलिए, इसे बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, जिससे अगली अपडेट आप तक जल्दी से पहुंच सके। नॉर्मली हम पके हुए केले को खा लेते हैं, लेकिन बचे हुए कुछ केले ऊपर से काले पड़ जाते हैं और हमें उसको फेंकना पड़ता है। लेकिन आज ये पके हुए केले से ही मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। इसके बाद आप ऐसे काले हुए केले को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। ये मेरे घर में दो केले बच गए थे, तो इसका मैंने सोचा एक बढ़िया सा स्नैक्स तैयार करते हैं। तो केला यहाँ पर ज्यादा पका हुआ होगा तो भी आप उसका यूज कर सकते हैं। पके हुए केले से ही ये ज्यादा अच्छी और टेस्ट बनेगी। ये देखिए, मैंने केले को काट, अब इसको ग्राइंडर जार में डालकर हम इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। याद रहे, इसमें न पानी डालना है न कोई दूध डालना है। और ये देखिए, फाइन सा पेस्ट हमने बना लिया। इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और साइड में रखेंगे। ध्यान रखना, बर्तन को धो के इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अब हम 1/4 कप ऑयल लेंगे, यानी कि 100 ml ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। इसे ज्यादा गर्म नहीं करना है। ये ध्यान रखना, सरसों का ऑयल नहीं होना चाहिए, कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। साधारण सा गरम करना है, उबालना नहीं है। केले की प्यूरी डाल दें, 1/4 कप पानी डालना है। पानी जितना कम डालेंगे उतना ही अच्छा है। 1/2 चम्मच मीठे वाला सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। 1 चम्मच जीरा का पाउडर डालेंगे। चटपटेपन के लिए 1/2 चम्मच काली मिर्ची ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें और 1/4 चम्मच हल्दी डालिए। हल्दी से इसका कलर अच्छा आएगा। 1 चम्मच इसमें डाल दी है अजवाइन। अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे। अच्छे से इसे फेंट लेंगे चम्मच से, या फिर विस्कर की हेल्प से इसे हमें फेंटना है। हमें इसे जब तक फेंटेंगे जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं होता। फेंटने के बाद ये एकदम पिघले हुए बटर की तरह लग रहा है। और अब इसमें 1 कटोरी बेसन ऐड करेंगे। इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमें इसका एक बढ़िया सा डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन डालते रहें। 1 कटोरी बेसन इसमें और ऐड कर दिया है। एक साथ पूरा बेसन नहीं डालना, ताकि आपको पता चलता रहे कितना बेसन डालना है। मैंने इसमें टोटल 2.5 कप बेसन लगाया है और ये बढ़िया सा डो तैयार हो गया। थोड़ा चिकना हाथ करके कुछ देर रेस्ट के लिए छोड़ दे, वो थोड़ा चिपचिपा बनता है, क्योंकि हमने इसमें केला डाला है ना, इसीलिए इसको चिकना हाथ लगाना बहुत जरूरी है। ये हमने 1/2 कटोरी काजू लिया है और 1 कटोरी फुटाना दाल, सूखा नारियल के पीसेस, कढ़ी पत्ता और 1 कटोरी मूंगफली के दाने। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब एक पैन में 200 ग्राम ऑयल को गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पर। मूंगफली को उसमें फ्राई कर लेंगे। मूंगफली को फ्राई करना बड़ा आसान होता है। जैसे ये थोड़ा चटकने लगे तो आप समझ लेना मूंगफली फ्राई हो गई है। इसका ऊपर से जैसे ही छिलका थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे फटाफट निकाल लेंगे। अच्छे से इसके ऑयल को इसी में टपकने देंगे और एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने इसको निकाल लिया है। अब फुटाना दाल को भी हम भून लेंगे। वैसे तो ये भुनी हुई होती है, इसको तो बिल्कुल हल्का सा थोड़ी देर बाद ही तुरंत निकाल लेना। और ये देखिए, इसको भी हमने निकाल लिया है सेम बर्तन में। ठंडी होने के बाद में ही क्रिस्पी और कुरकुरी हो जाती हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें काजू को भून लेते हैं। धीमी आंच पर भून के इसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए, जरा सा कलर चेंज हुआ है और अब इसमें गोले को बहुत जल्दी हो जाता है। फटाफट से इसे निकालेंगे और सारी चीजें भुनकर तैयार हैं। गैस ऑफ कर दें। अब बचा है हमारा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी ऐसे ही फटाफट से डालें और निकाल लें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सारी नमकीन में। आप चाहे तो इसी टाइम हरी मिर्ची को बारीक काट कर थोड़ा सा फ्राई करें और इसमें डालें, इससे चटपटापन बढ़ जाएगा। अब इसे बनाने के लिए इस तरह का हमारे पास जो सांचा होता है उसकी ये वाली प्लेट हमें लगानी है और इसको अंदर से ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद ही हम इसमें आटा डालेंगे ताकि आटा इसके अंदर चिपके। अंदर से ग्रीस कर लिया है और हमारा डो पहले ही तैयार है। उसको थोड़ा सा मथ के हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर भर ली। दबा दबा कर जितना इसके अंदर आएगा उतना ही भरना है। और अब इसे बंद कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको बंद कर लिया है और आप बढ़ते हैं गैस की तरफ। ऑयल हमने पहले से ही गरम करना रख दिया था और इस तरह से हम इसको चलाएंगे और इसमें नमकीन को उतना ही डालेंगे जितना हमारे बर्तन में ये
ये देखिए थोड़ी देर तक इसको बिल्कुल नहीं छूना है, दो चार मिनट के बाद ही हम इसको छुएंगे, जब तक ये नीचे से अच्छे पक जाएगी। उसके पकने के बाद ही हमें इसको पलट देना है, पलट के अच्छे से हिलाकर दाएं बाएं से अलट पलट करके इसको खूब अच्छे से ब्राउन कलर होने तक हम पकाएंगे, और ब्राउन कलर होने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है, वाओ वेरी नाइस। एक प्लेट में निकाल लेंगे, ये बहुत ही कुरकुरी बनी है, इनकी आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे। देखिए कलर भी प्यारा है। अब दूसरा बैच तैयार कर लेते हैं, सांचे की डिस्टेंस रखते हुए ऑयल से, तब हम ये पपड़ी इसमें गिराते जाएंगे, और जितनी पपड़ी हम आराम से इसमें आ सकें उतनी ही पपड़ी गिराएंगे, तो ये ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनती हैं। ये देखिए मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें तलना है। एक बैच को बनने में हमें 5 से 6 मिनट तक लगते हैं, और इस तरह से हम जितनी भी हमारी पपड़ी हैं बनाकर इन्हें तैयार कर लेंगे। सारी पपड़ी बेहद टेस्टी और खस्ता कुरकुरी बनकर तैयार होती हैं। आप एक बार बनाएंगे तो इसे महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, और बच्चे जब भी मन चाहे उन्हें आप इसे दे सकते हैं, चाहे नाश्ते में लें या फिर किसी टाइम जब आपका मन करे इन्हें आप बच्चों को कटोरी में डालकर दे सकते हैं। ये देखिए इन्हें तभी पलटना होता है जब ये नीचे से अच्छे से सिक जाए, और इसे मीडियम फ्लेम पर करना होता है पलटते टाइम, और फटाफट से इन्हें पलट देना होता है जब तक ये फ्राई करेंगे, जब तक इनका कलर हल्का ब्राउन न हो जाए, इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और ये इतनी कुरकुरी बनती हैं कि एक बार आप इसे डिब्बे में बंद करके रखेंगे तो ये सौगी भी नहीं होती हैं और नई नरम होती हैं, इसमें क्रिस्पीनेस लास्ट तक बरकरार रहता है। जैसे पहली पपड़ी बनाई थी वैसे ही सारी पपड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे, ये ठंडी होने पर और भी क्रिस्पी और करारी हो जाती है। आप चाहें तो इन्हें खाली पपड़ी खा सकते हैं, इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करें और एंजॉय करें, और चाहे तो इसमें और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं जिससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी बन सकती है। ये देखिए हमारी ये सारी चीज़ें पहले से फ्राई की हुई रखी हैं, अब इसमें ऐड कर लेंगे लाल मिर्ची, थोड़ी सी काली मिर्ची, इससे चटपटापन बढ़ता है और टेस्ट भी बढ़ेगा। नमक डाल दिया काले वाला और मिक्स कर लेंगे। क्रिस्पी कुरकुरा पहले से ही फ्राई किया हुआ कड़ी पत्ता इसमें ज़रूर ऐड करें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसमें किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं। और फाइनली इसमें ऐड करेंगे हम क्रिस्पी कुरकुरी बेसन पपड़ी। ओ वाव, जबरदस्त लग रही है, इतनी क्रिस्पी। देखिए खूब अच्छे से हाथ से इनको हम तोड़ तोड़ कर या जैसा भी आप चाहें उसे खा सकते हैं। लिया सारी चीज़ों को हमने, इसकी आवाज़ आप सुन ही रहे हो कितनी कुरकुरी खस्ता बनी, ये खा के दिखाती हूँ मैं। है ना कुरकुरी और करारी क्रिस्पी। आप चाहो तो इसे सिंपल पपड़ी भी खा सकते हैं, इसमें आपको सारे फ्लेवर मिलेंगे। इसमें केले का हल्का मीठापन भी है और चाट मसालों का हल्का हल्का चटपटापन भी मिलेगा। हरी मिर्ची भी साथ में मिलेगी और काली लाल मिर्ची भी एक साथ में मिलेगी। सारा फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी भी है और मज़ेदार भी। इस दिवाली पर या आने वाले फेस्टिवल में आप इसे ज़रूर बनाएं, और बनाकर इसे महीने भर तक स्टोर करें। कभी भी बच्चों को छोटी मोटी भूख लगे तो उसमें आप इसे बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और बहुत ही ज़बरदस्त भी। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ एंड एंजॉय योर फेस्टिवल ऑल्सो।